प्रदेश में कानून व्यवस्था के चलते हरियाणा सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने भी लिखित परीक्षाओं को स्थगित किया। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के 25 अगस्त को सीबीआई कोर्ट में पेशी को लेकर सस्पेंस बरकरार। डेरा प्रवक्ता आदित्य इंसा का बयान, डेरा प्रमुख कानून प्रक्रिया का करेंगे पालन, लेकिन गुस्साए समर्थक नहीं मान रहे उनकी बात। गुरमीत राम रहीम पर आने वाले फैसले को लेकर पंचकुला के सीबीआई कोर्ट के जज की बढ़ाई गई सुरक्षा। वकील को भी हरियाणा के गृह सचिव रामनिवास का बयान, डेरा प्रमुख को लाने के लिए की गई है हेलीकॉप्टर की व्यवस्था। गुरमीत राम रहीम के समर्थक फैसला खिलाफ आने पर हथियारों का कर सकते हैं इस्तेमाल। पंजाब के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठी से खुलासा हुआ। पुलिसकर्मी को सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश दिया गया। पंचकुला में राम रहीम के समर्थकों के जमावड़े को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। शहर में लगाई गई धारा 144। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 3 दिनों के लिए स्कूल को बंद किया। यौन शोषण केस में डेरा प्रमुख पर 25 अगस्त को आने वाले कोर्ट के फैसले के मद्देनजर हरियाणा पंजाब सहित कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया गया। पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक फरीदकोट में डेरा समर्थकों ने चर्चा, घरों में भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल और काफी नुकीले हथियार जमा कर दिए। साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस कंट्रोल रूम में 8 महीने के अंदर 100 नंबर पर 88 लाख फोन कॉल्स आए हैं, जिसमें 70 लाख के करीब फोन कॉल्स ब्लैंक हैं। पुलिस के मुताबिक कंट्रोल रूम में फोन कॉल्स की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। रेवाड़ी में बने अस्थायी गौशाला में गायों की बेहाल हालत की खबर मीडिया में आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और अधिकारी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। वहीं इस घटना के बाद गौभक्तों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। करनाल के मंचूरी गांव में 2 गुटों में जमीनी विवाद को लेकर चली तलवारें और लाठियां, दोनों पक्षों के 8 लोग घायल। मोटरसाइकिल और ट्रैक्टरों में लगाई गई आग, गांव में बड़ी संख्या पुलिस बल तैनात। सिरसा में भारी सुरक्षा के बावजूद बिजली निगम के ठेकेदार से 2 लाख की लूट हुई है। घटना बिजली निगम के पास की है, जहां पर पास में लगे एक मंदिर में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। फरीदाबाद के मवई रोड पर हाई टेंशन केबल की चपेट में आने से 5 बच्चों समेत 7 लोग गंभीर तौर पर झुलस गए। झुलसे सभी लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे। फिलहाल उन्हें अलग अलग अस्पतालों में एडमिट करवाया गया है। सोनीपत से लगे पानीपत के गांव शाहपुर में अज्ञात हमलावरों ने बाप बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता को गंभीर हालत के चलते पीजीआई रेफर किया गया।